हिमालय पर्वतों के बीचों बीच भारत का एक मनमोहक राज्य हिमाचल प्रदेश स्थित है। अपने मनमोहक परिदृश्यों और सुंदरता के लिए जाना जाने वाला ये राज्य अपने अंदर कुछ भयानक रहस्य भी रखता है। मान्यताएं इसकी घाटियों की गहराइयों में छिपी एक ऐसी प्रेत बाधित जगह के बारे में बताती हैं, जहां जीवित लोग घूमने तक की हिम्मत नहीं करते। घने देवदार के जंगलों के बीचों बीच लगभग 1920 के दशक में बनी ऊंची चोटियों के आधार पर ये एक पुरानी विक्टोरियन शैली की हवेली जो 1950 के बाद से खंडर हालत में खड़ी है, जिसे चैटो डी एंजेस के नाम से जाना जाता है। एक समय की ये भव्य हवेली अब एक अंधेरे अतीत की डरावनी याद दिलाती है। स्थानीय लोगों की माने तो ये हवेली शापित है, जो उन लोगों की सताई हुई आत्माओं से प्रेत बाधित है जो कभी इनकी दीवारों के भीतर रहते थे। ये हवेली एक ब्रिटिश कर्नल का निवास स्थान हुआ करता था, जो अपनी पत्नी और युवा बेटी अमारा के साथ वहां रहता था। त्रासदी से पहले कर्नल के परिवार ने ऐश्वर्य और वैभवपूर्ण जीवन का आनंद लिया, और एक दुर्भाग्यपूर्ण रात जब कर्नल घर लौटा तो उसकी पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। परिवार को खोने की पीड़ा को सहन करने में असमर्थ दुख ने कर्नल को घेर लिया और उसे पागलपन की ओर धकेल दिया। कहते हैं उसके कुछ ही महीनों बाद कर्नल की भी मौत हो गई थी, और उसी के बाद से उस हवेली के आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिन पर यकीन करना जिंदा इंसान के लिए नामुमकिन था। नमस्कार, माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 275। स्थानीय लोक कथाएं हवेली में और हवेली के आसपास घटी भयानक घटनाओं का वर्णन करती हैं कि जिन भी लोगों ने अंधेरे के बाद उस हवेली के आसपास जाने की हिम्मत की वो कभी वापस नहीं आए। इन सभी अफवाहों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए क्यूरोसिटी ने साहसी खोजकर्ताओं के एक समूह सूरज, कबीर और विशाल को वहां भेजा, और एक अंधेरी रात उन सभी ने उस हवेली की ओर जाने वाले ऊंचे रास्ते पर कदम रखा। हवेली के आसपास पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा पसर चुका था। मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पूरे इलाके में जंगली जानवर तो क्या, हवा का बहाव भी रुक चुका हो। इस पूरे इलाके को बड़ी बारीकी से देखते हुए वो सभी खोजकर्ता आगे की तरफ बढ़ते रहे। उनके चलते कदमों की आवाज भी उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो सभी खोजकर्ता उसी हवेली के ठीक सामने पहुंचे तो हवेली की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी टूटी फूटी छतें और खस्ता हाल दीवारें उसके इतिहास की खुद गवाही दे रहे हों। और जैसे ही वो लोग हवेली के मेन दरवाजे पर पहुंचे तो एक अजीब बेचैनी उन सभी को साफ महसूस होने लगी थी। थोड़ी हिम्मत करते हुए उनमें से सूरज ने उस हवेली के दरवाजे को खोला तो एक डरावनी आवाज करता हुआ वो दरवाजा खुला, और दरवाजे के खुलते ही उस पूरी सुनसान हवेली में एक अजीब आवाज वहां के हर हिस्सों में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि ये कई वर्षों से बेजान हवेली आज फिर जीवित हो उठी हो। बड़ी अजीब बात थी कि हवेली के बाहर हवा का बहाव बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था, पर हवेली के अंदर पहुंचते ही मानो तेज हवाएं पूरी हवेली के हर हिस्से को गिला रही हों। अभी वो तीनों मेन दरवाजे से थोड़ा ही अंदर पहुंचकर आसपास देख रहे थे, जब उनके ठीक पीछे मेन दरवाजा एक जोर की आवाज से अपने आप बंद हुआ। ये सुनते ही वो तीनों डर से एकदम पीछे की तरफ पलटे और बड़ी बड़ी आंखें करते हुए
एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि तभी बिसाल का कहना था, हवा चल रही है, शायद उससे बंद हो गया होगा। ये कहता हुआ बिसाल मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक बार फिर दरवाजे को खोलकर वापस आने को मुड़ा ही था, जब एक बार फिर मेन दरवाजा एक डरावनी आवाज करता हुआ अपने आप बंद हो गया। हवा से बार बार दरवाजा बंद होता रहेगा, यही सोचकर वो तीनों उस हवेली के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो हवेली के और अंदर बढ़ रहे थे, उन तीनों की टॉर्च की रोशनी से बनती परछाइयां काफी डरावना आकार ले रही थी। उस हवेली की हर जगह को देखते हुए वो तीनों काफी अंदर तक पहुंच चुके थे। अभी वो थोड़ा और आगे बढ़ते जब उनके ठीक बगल वाले कमरे में एक आवाज हुई, और ये आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो उस कमरे के दरवाजे से भागता हुआ कोई अंदर की तरफ गया हो। ये आवाज सुनकर अब उन तीनों के डर से हाथ पैर कांप चुके थे, क्योंकि अगर वो तीनों एक साथ उस कमरे के बाहर खड़े थे तो आखिर उस कमरे में कौन था। अब उन तीनों के दिमाग में वही भयानक बातें घूमने लगी थी जो इस हवेली के बारे में उन्हें बताई गई थी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उन तीनों ने टॉर्च की रोशनी में उस कमरे में देखा तो बाहर से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो तीनों इतना डर चुके थे कि उस कमरे में घुसने की हिम्मत उन तीनों में नहीं बची थी, पर फिर भी एक दूसरे का सहारा लिए वो तीनों उस कमरे के दरवाजे के ठीक सामने पहुंचे और टॉर्च लगाकर झांकने को अभी हुए ही थे कि तभी अब वो किसी के भागने की आवाज उनके पीछे वाले कमरे से आने लगी। एक झटके में उन तीनों ने मुड़कर पीछे देखा तो अब वो आवाज फिर उसी कमरे से आने लगी जिस कमरे के दरवाजे पे वो तीनों खड़े थे। ये जो भी यहां उनके साथ अभी हो रहा था उसके बारे में वो तीनों कुछ और सोच पाते कि अब हवेली की ऊपरी छत की सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाजें आने लगी। बस इतना सुनने की देरी थी कि अब उन तीनों ने बिना इधर उधर देखे सीधा मेन दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। जैसे जैसे वो तीनों दरवाजे की तरफ दौड़ रहे थे, कमरे और सीढ़ियों से आती कदमों की आवाजें भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वो तीनों डर से हांफते हुए मेन दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। वो तीनों कई बार दरवाजा खोलने की फिजूल कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। वो तीनों बिना पीछे मुड़े मेन दरवाजे पर खड़े थे जब वो पीछे से आती कदमों की आवाजें दौड़ते हुए उनकी तरफ आई और एक झटके में उन तीनों और बंद दरवाजे के आर पार हो गई। ये देखकर अब उन तीनों की रूह कांप चुकी थी, क्योंकि अभी अभी जो भी यहां हुआ था वो उन तीनों की कल्पनाओं से परे था। अब उन तीनों को साफ समझ आ चुका था कि यहां आकर उन तीनों ने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर उस सुनसान इलाके में उनकी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। अभी वो तीनों इन सभी घटनाओं के डर से थोड़ा उभरे भी नहीं थे जब मेन दरवाजे पर खड़े उन तीनों ने हवेली के निचले कमरों से एक भयानक चीख साफ साफ सुनी। अब भागने के लिए उन तीनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। डरे हुए वो तीनों टॉर्च की रोशनी में उन्हीं कमरों की तरफ देख रहे थे
जब ध्यान से देखने पर एक कमरे के पास उन्हें जो भी दिखा वो देखकर उन तीनों की जूह तक कांप उठी। वो तीनों चिल्लाते हुए हवेली की ऊपरी छत की तरफ भागे, क्योंकि उस दरवाजे से एक आधा निकला हुआ सर एक अजीब मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ ही देख रहा था। भागते हुए वो तीनों हवेली की ऊपरी छत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। अब उन तीनों को अपनी मौत साफ नजर आने लगी थी। अभी वो तीनों हवेली की ऊपरी छत पर लास्ट कमरे की खिड़की खोल पाते कि तभी सीढ़ियों से उनकी तरफ आते कदमों की आवाज उन्हें साफ सुनाई देने लगी। एक दूसरे का हाथ पकड़े वो तीनों उसी कमरे के कोने में खड़े थे कि तभी कोई सीढ़ियों से चलता हुआ उनकी तरफ आया और उस कमरे के दरवाजे के ठीक सामने रुका। ये चलते कदमों की आवाजें उन तीनों को साफ सुनाई दे रही थी, पर बड़ी अजीब बात थी कि दिखाई कोई नहीं दे रहा था कि तभी वो कदमों की आवाज एक बार फिर वापिस सीढ़ियों की तरफ चली गई और एक बार फिर हवेली के निचले कमरों में चीखों की आवाजों से पूरी हवेली गूंज उठी। ये जो भी यहां उन तीनों ने देखा या महसूस किया था वो उन तीनों को एक पूरे सपने की तरह लग रहा था। काफी देर डरे हुए वो तीनों उसी कमरे के कोने में बैठे रहे, जब डरते हुए कबीर का कहना था, देखो मरना तो हमको है ही, या अभी या बाद में, तो क्यों ना ये जो भी है इस चीज का सामना किया जाए। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उन तीनों ने नीचे उस कमरे में जाकर देखने का फैसला किया और तीनों टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ने लगे। अभी वो तीनों सीढ़ियों तक पहुंच पाते उससे पहले ही एक जोर की आवाज के साथ उस हवेली का मेन दरवाजा खुला। थोड़ी देर उन तीनों को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने बाहर से जोर की लात मारकर दरवाजा खोला हो। टॉर्च लगाकर देखा तो एक बार फिर उन तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दरवाजे पर एक ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहने एक आदमी हाथ में एक लोहे की रोड लिए खड़ा उसी निचले कमरे की तरफ देख रहा था। उन तीनों के देखते ही देखते वो आदमी गुस्से से चिल्लाता हुआ उसी कमरे की तरफ चला गया और कमरे के खुलते ही एक बार फिर किसी की चीखों से वो पूरी हवेली दहल उठी। अभी वो तीनों मेन दरवाजे की तरफ भाग पाते कि एक बार फिर मेन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उन तीनों को इतना समझ आ चुका था कि जब तक वो यहां हो रही सभी घटनाओं को सुलझा नहीं लेते वो इस हवेली से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते थे। एक दूसरे का सहारा लिए वो तीनों उसी निचले कमरे की तरफ ये सोचकर बढ़ने लगे कि आखिर उस कमरे में ऐसा है क्या। धीरे धीरे वो तीनों टॉर्च की रोशनी के साथ उस कमरे के ठीक दरवाजे पर पहुंचे तो उस जगह उन्हें एक अजीब सी ठंड का एहसास होने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो वो तीनों बर्फ की सिल्ली के बीच आ गए हों। हिम्मत करके उन तीनों ने एक साथ उस कमरे का दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलते ही एक बार फिर पूरी हवेली चीखों से गूंज उठी। और कमरे के अंदर देखते ही वो तीनों आंखें बड़ी बड़ी करते हुए डर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
क्योंकि कमरे में जमीन पर एक औरत चीख रही थी और वही ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहने व्यक्ति बड़ी बेरहमी से उसे लोहे की रोड से जोर जोर से मार रहा था। अभी वो तीनों कुछ बोल पाते कि तभी उनके ठीक पीछे से कोई दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे मुड़कर देखने से पहले ही उनके आर पार हो गया। पलटकर एक बार फिर उन तीनों ने कमरे में देखा तो एक लड़की उस ब्रिटिश आदमी को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि उसी रोड से उस व्यक्ति ने उस लड़की के सर पर वार कर दिया और उसी के साथ वो पूरा दृश्य हवा में गायब हो गया। अब इन सब घटनाओं को देखकर वो तीनों पागल होने लगे थे क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये जो भी अब तक उन तीनों ने यहां देखा था क्या वो सच था या उनके मन की कोई कल्पना। अभी वो तीनों अपने सर पर हाथ रखे इन सभी घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे जब उस हवेली का मेन दरवाजा धीरे धीरे एक अजीब आवाज करता हुआ अपने आप खुला। ये सुनते ही उन तीनों ने बाहर झांक कर देखा तो दरवाजा बिल्कुल खुल चुका था। वो तीनों धीरे धीरे यही सोचकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे कि एक बार फिर दरवाजा बंद हो जाएगा, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तीनों उस हवेली से बाहर निकल चुके थे। थोड़ी ही दूर पहुंचकर उन तीनों ने पलट कर देखा तो हवेली के उसी मेन दरवाजे पर वही औरत और एक लड़की खड़े थे जो उनके देखते ही देखते हवा में गायब हो गए। भले ही डर से ही सही, पर उन तीन खोजकर्ताओं ने उन दोनों मां बेटी के साथ घटी घटना को जान लिया था, जिससे उस हवेली में कई वर्षों से कैद वो आत्माएं अब आजाद हो चुकी थी, उन्हें शांति मिल चुकी थी। कहते हैं यहां रहने वाला कर्नल ज्यादातर घर से बाहर रहता था। अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और औरत के साथ उसके नाजायज रिश्तों के चलते हमेशा अपनी पत्नी पर अत्याचार करता रहता था। इसी से तंग आकर कर्नल की पत्नी ने उसे तलाक देकर किसी और से शादी करने की बात उसके सामने रखी थी, जिसके चलते वो अपनी पत्नी पर काफी शक करने लगा था। वो कहते हैं ना कि जब आपके घर की बातें और लड़ाइयां दुनिया के सामने आने लगती हैं तो दुनिया में जिस्म के भूखे गिद्ध फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। बस इसी के चलते कुछ ऐसी बातें फैली कि गुस्से में कर्नल ने अपनी पत्नी और बेटी को बड़ी बेरहमी से मार डाला और उसके कुछ ही महीनों बाद कर्नल ने खुद को भी मौत के हवाले कर दिया। आज भी वो हवेली खंडहर हालत में हिमालय की गोद में खड़ी है। लोग आज भी उसके आसपास जाने से डरते हैं, पर अब वहां ना ही पहले की तरह चीखों की आवाजें आती हैं और ना ही कोई भूतिया घटनाएं होती हैं। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।